यहाँ पे मतलब इसको हम जंग ही कह सकते हैं, ये जंग, ये लड़ाई जो हम यहाँ पे 81 से लड़ रहे हैं। तो हमारे जो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो फाइट है ना, वो एनसी के साथ है, ईडीपी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री रविंद्र रैना जी जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं, हिंदुस्तान आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भापुर साहब आदर्श, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बिलाल साहब जिंदाबाद, जय शक्ति साहब जिंदाबाद, मंजूर साहब जिंदाबाद, मजदूर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, मजदूर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंटरनेशनल एलिवेशन पूर मतवायन मतपोतन दुनिया में नंबर वन पोजीशन पर, अगर हेची का हम ये हिंदुस्तान पूर दुनिया में नंबर वन इस पर सिर्फ वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी बाय, हम उसको सैल्यूट करते हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है और गरीबों को एम्पावर किया है। अगर ये सुनवाई वाली इस बात करो या सुनवाई में बसाने इसमें क्या सुन छ सोन मेंबर इन पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर वकील साहब, यम सर पार्लियामेंट मेंबर भी हैं, यम हायर एजुकेशन मिनिस्टर भी चुन हुए हैं, यम दिसंबर इन सीपी का जी मोहम्मद हजाम, अली मोहम्मद हजाम, ते नरेंद्र मोदी जी अ ते शायद तम से वो पानस पता तम से पता मंजूर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, मंजूर साहब आगे बढ़ो, क्या चीज आज है जोर अहमद मशीन वंज करान से बहुत ये फन शावरी आपसे शावरी 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 रीजनल पार्टी हिंदी तम चाहे तम ब्लॉक वाइज चाहे तम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चाहे तम स्टेट लेवल पे गुंडाराजस मे हूं प्रकिस मजलूम सवाल जैसा कि आपने सवाल किया कि यहाँ पे इस प्रोग्राम के हवाले से, इस प्रोग्राम के हवाले से आपको तो पता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मतलब वर्कर होता है ये 24/7 अपने काम में रहता है। पार्टी के जो जितने भी हमारे आदेशिस होते हैं यहाँ पे जो डायरेक्शंस होती है उस प्रकार से मतलब जैसा कि हमें आदेश मिलता है तो हम उस पर काम करते हैं। रहा सवाल, ये कोई नई बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जब से वजूद में आई है तब से जहाँ जहाँ पे मतलब हमारे वर्कर्स से कार्यकर्ता से तो वो काम करते हैं। आज भी हमने इस शिया कम्युनिटी के इलाके में, ये काउपुरा अलियाबाद है, यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के जो प्रेसिडेंट हैं बिलाल साहब है, रहमान साहब है, अब्दुल मजीद नजार साहब है जो हमारे सीनियर लीडर है, और भी बाकी यहाँ पे रहमान साहब मेरे साथ है। तो इस प्रोग्राम को हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन जैसा ही हमें आदेश मिला है कि आपको काम करना है तो हम काम करते हैं। आज भी मैं अपने तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, यहाँ पे अपने वजीर आजम की तरफ से इन काउपुरा के बाशिंदगान को यहाँ पे मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन सही वक्त पे थामा है, क्योंकि आगे जो इलेक्शन मतलब आने वाले हैं उनके लिए हम प्रेपरेशन कर रहे हैं, और अभी जो इलेक्शन चल रहे हैं उसके लिए भी हम प्रेपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे ये आज के प्रोग्राम का बेसिक मुद्दा और मकसद, और कांग्रेस के साथ है, क्योंकि जो उन्होंने यहाँ पे 40-50 साल के मतलब बीच में किया था लोगों के साथ, जिस तरह इस्तेसाल किया है, इसके अजाला इसको अजाला करने के लिए हमारा जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी है, हमारा जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी है, हमारा जो यहाँ पे ये बाकी हमें किसके साथ, अभी जो नए लोग आए हैं तो इनको अभी पार्टी में 4-5 दिन भी नहीं हुए, नई पार्टी बनी है, तो हमें इनके साथ क्या मुकाबला हमें किनके साथ है। जो लोग यहाँ पे 40-50 साल से लोगों को इन पे लूट रहे थे, जुल्म कर रहे थे, हम उसके खिलाफ जंग आज लड़ रहे हैं। आज भी आपने देखो भारतीय जनता पार्टी के आज करीबन 100 से ज्यादा लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया है, क्यों किया है, अगरचे हमने यहाँ पे कैंडिडेट नहीं उठाया है,
लेकिन क्यों आज भी भारतीय जनता पार्टी को ये पसंद करती है? क्योंकि हमारे वजीर आजम ने जिस तरह से 10 साल में काम किया है, मुझे नहीं लगता कि 70 साल में या मतलब उससे कम समय में भी या उससे ज्यादा समय में भी किसी यहाँ पे वजीर आजम ने काम किया है। मेरे सामने मुझे लगता है कि कोई ऐसी हैसियत है, क्योंकि जिस अंदाज में हमें डायरेक्शन है पार्टी की, वजीर आजम की जो डायरेक्शन है, हमें उसी डायरेक्शन, ये एक नियम है, देखो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, हमें अगर यहाँ पे हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में यहाँ पे अभी 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है पार्लियामेंट्री, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर पे। यहाँ पे जब हम इलेक्शन लड़ेंगे ना, लड़ने के बाद जब ये जीत भी जाएंगे, मान लीजिए जैसा कि आप यहाँ पे अभी ये सिचुएशन देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन आगे करेंगे क्या? ये 1, 2 और 3 है ना, उसके बाद कितने हैं दुनिया में? अगर देखेंगे ना, भारतीय जनता पार्टी 6 जून के बाद यहाँ पे एक नया आलम होगा।